हेलो एंड वेलकम गाइस टू दिस न्यू शो। इस शो के अंदर हम आने वाले 20 मिनट में आपसे पूछेंगे सवाल, उन सवालों के आपको देंगे जवाब एंड ऑल्सो विल हैव द डिस्कशन ऑन दोज क्वेश्चंस। तो आपके पास 20 मिनट हैं, मेरे पास 20 मिनट हैं, तो अगर आप मेरे को रोज़ 20 मिनट ऐसे सुबह 8:30 पे दे दोगे तो इन 20 मिनट के अंदर जो भी सवाल आपके बनते हैं फ्रॉम द लेटेस्ट करंट अफेयर्स, वो सवालों के जवाब यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो एक बार जरा कमेंट्स में जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं कमेंट्स में डाल दीजिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वी आर रेडी, ताकि हम शुरू कर पाए। तो चलिए टाइमर बाबू को ले आए स्क्रीन पर और शुरू करें आज की हमारी चर्चा को। तो अब आपके सामने टाइमर बाबू आ जाएंगे और हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो टाइमर बाबू आ गए हैं, तो चलिए लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिकन्स्टिट्यूटेड एनवायरमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी EPCA। इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसने हाल ही में EPCA को शुरू किया है? इज इट MOEF, इज इट MHRD, इज इट माइनॉरिटी अफेयर्स और इज इट MHA? क्या है उसका नाम? एंड दोस्तों इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज MOEF। ये एक ऐसा मंत्रालय है जिसने कि इस EPCA को यहाँ पर शुरू किया है। दोस्तों अगर हम EPCA की यहाँ पर बात करें तो EPCA जो है दैट विल फोकस ऑन एनवायरमेंट पॉल्यूशन, उनको रोकने के लिए काम करेगा, और इसको MOEF ने यहां पर काम करवाया है। यहां पर एक और सवाल बन सकता है कि हु इज द मिनिस्टर कंसर्न फॉर दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, तो उसका आंसर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन साहब जो हैं वो इसके मंत्री हैं, नंबर वन। एंड नंबर टू, जो मंत्रालय है जो इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है दैट इज चांदनी चौक, वहां से ये लोकसभा के सांसद हैं। तो ये दो तीन चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे। सुप्रीम कोर्ट हैज़ इशूड अ नोटिस टू द गवर्नमेंट टू अपडेट द नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स इन डैश अपार्ट फ्रॉम असम। हाल ही में जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने कहा कि इनमें से किस प्रदेश के अलावा, असम के अलावा कौन सा प्रदेश है जहां पर NCR को लगाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर मेघालय, कौन सा दोस्तों यहाँ पर प्रदेश है? एंड इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज त्रिपुरा। यहाँ पर दोस्तों अगर NRC की बात करें तो NRC जो है वो पहली बार लगाया गया था 1951 में, और ये लगाया गया था आपका असम के अंदर। एंड अब हाल ही में इसको फिर से असम के अंदर लगाया गया था, और इससे जो लीगल सिटीजन्स हैं उनकी जानकारी के लिए इसे लगाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पर दोस्तों आते हैं, ये रहा आपके सामने हमारा अगला सवाल। Which Indian organization has been awarded the IESSA Good Practice Award for Employee Coverage? इनमें से हाल ही में IESSA, which is International Social Security Association, उसने हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन को एक अवार्ड दिया है? जो अवार्ड दिया गया है फॉर एम्प्लॉय कवरेज, ये अवार्ड है द IESSA Social Security Association Award। ये सवाल है आपसे, गुड प्रैक्टिस अवार्ड किसको ये अवार्ड मिला है? इज इट EPFO, इज इट ESIC, इज इट CBEC और इज इट ASSOCHAM? किसको दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है? एंड इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ESIC। नाउ ESIC का फुल फॉर्म है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। दिस कॉरपोरेशन गाइस बेसिकली फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग लो हेल्थ एंड सोशल इंश्योरेंस कवर, ऐसे लोग जिनकी सैलरी बहुत कम होती है उनको ESIC के जरिए पैसा मुहैया कराया जाता है। तो यहाँ दोस्तों जो आंसर है वो है आपका ESIC। यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा EPFO के बारे में भी, CBEC के बारे में भी और ASSOCHAM के बारे में भी। ये दोनों सवाल आपके लिए अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अब अगली खबर पे, जो कि ये रही है आपके सामने। NASA's New Horizons probe is on course to fly by the Kuiper Belt object nicknamed Dash to set the record for the most distant object ever visited by a spacecraft. इनमें से उस एरिया का नाम बताएं या उस निकनेम का नाम बताएं जिसको पार करके दिस स्पेसक्राफ्ट विल बिकम द फर्स्ट वन टू हैव टू क्रॉस द मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एवर विजिटेड बाय अ स्पेसक्राफ्ट। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर प्रोब की,
तो दिस पर्टिकुलर न्यू हॉराइजन्स प्रोब ये आपका शुरू हुआ था इन 2006, 2006 में आपका ये शुरू हुआ था, एंड ये यूएसए का एक प्रोब है, और अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो यूएसए विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कवर फ्रॉम मर्करी टू प्लूटो. ऐसा पहली कंट्री बनेगी जिसने एक स्पेसक्राफ्ट के जरिए मर्करी से प्लूटो तक पूरा कवरेज यहाँ पर कर दिया है. तो वो चीज़ यहाँ पर अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर. इसका आंसर है आपका अल्टीमा थ्यूल, जिसको कि वो क्रॉस करेगा, जो कि नाम है आपका न्यू होराइजन्स. अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में डालते रहिए, यस सर यस सर यस सर, हमें समझ में आ रहा है. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Which state forest department has started vaccination of lions to protect from deadly canine distemper virus? इनमें से कौन सा राज्य सरकार है जिसने हाल ही में जो वहाँ के एशियाटिक लायंस हैं उनके लिए एक वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया है, बिकॉज बड़ी मात्रा में दे वर स्टार्टिंग टू डाई. तो वो स्टेट कौन सा है? देखिए बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ गुजरात. गुजरात ही स्टेट है जहाँ पर गीर सेंचुरी है, उस गीर सेंचुरी में आपको एशियाटिक लायंस यहाँ पर पाए जाते हैं. दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों से. ये है हमारा एक नया शो है और ये लगातार रोज़ सुबह 8:30 पे आपका आएगा, आफ्टर द हिंदू शो. तो इसको देखना आप सब लोग मत भूलिएगा, एंड अगर अच्छा लग रहा है प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, येस सर येस सर येस सर येस सर येस सर, लगातार इस शो करते रहिए. और इस शो आपका सुबह 8:30 बजे आपका आने वाला है. चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको अगला सवाल. हु विल हेड द स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप टू हेल्प द एनएसजी ऑन नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स? हाल ही में जो नेशनल सपोर्ट ग्रुप है जो कि अभी जिसके अंदर एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप आपका बनाया गया है, तो ये जो आपका ग्रुप है इसके अध्यक्ष इनमें से कौन होंगे? इज इट अरविंद गुप्ता, इज इट पंकज सरन, इज इट अजीत डोवाल, और यहाँ पर चलो मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ, या फिर वो हैं आर एन रवि. कौन है इस समय आपके दी हेड ऑफ दी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप? एंड इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ अजीत डोवाल, जो हमारे इस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं. अगर एनएसए की हम बात कर रहे हैं तो एनएसए में एक बड़ा चेंज आया है, एंड द चेंज दैट हैज़ वन सेकेंड एंड द चेंज दैट हैज़ बेसिकली हैपन्ड, वो जो आपका चेंज यहाँ पर आया है वो आया है कि आर एन रवि जो साहब हैं वो बने हैं डेप्यूटी एनएसए. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. यूरेशियन ओटर हैज़ बीन फाउंड आफ्टर 70 ईयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉट्स? इनमें से कौन सी जगह पर यूरेशियन ओटर जो है वो 70 वर्षों के बाद उसे पाया गया है? इज इट सुंदरबंस, इज इट वेस्टर्न घाट्स, इज इट ईस्टर्न घाट्स, और इज इट नीलगिरीज? इनमें से कहाँ पर आपका जो एक यूरेशियन ऑटर है उसको पाया गया है? सुंदरबंस है आपके सामने, वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, या फिर आपका नीलगिरीज है? एंड दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ द वेस्टर्न घाट्स. यहाँ पर 70 सालों बाद ये जो जानवर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ये यहाँ पर पाया गया है, इसको ही हम कहते हैं यूरेशियन ऑटर. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर. Which of the following Asian countries has passed a controversial digital security bill 2018? इनमें से कौन से एशिया देश ने एक विवादास्पद डिजिटल सुरक्षा विधेयक पास किया है? The features of this bill is कि अगर कोई जर्नलिस्ट है बिना किसी वारंट के उसको अरेस्ट किया जाएगा. द मेन पर्पस इज़ टू मिनिमाइज एंड अवॉइड साइबर क्राइम, तो उसको रोकने के लिए ये किया गया है. तो सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि ये जो आपका बिल है ये बिल कौन से इनमें से स्टेट में इसे पारित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ बांग्लादेश. बांग्लादेश में इस बिल को दोस्तों पारित किया गया है. ठीक है राजा हसन जी, ये कल की ही खबरें हैं, ये पुरानी खबरें नहीं हैं. अगर आपको नहीं आ रहा है तो सेशंस को लगातार देखते रहिए. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Who has won India's first gold medal at the Youth Olympics being held in Argentina? इनमें से हाल ही में किसने हमें यूथ ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जिताया? सवाल यहाँ पर है फर्स्ट गोल्ड मेडल, सवाल यहाँ पर नहीं है पहला मेडल. किसने हमें पहला गोल्ड मेडल जिताया? और इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ जेरेमी लाल रेनुंगा. इन्होंने 62 kg कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में हमें जितवाया है पहला गोल्ड मेडल. यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल जो ऑप्शन ए है जिसका नाम आपके सामने है तंगजम तबाबी, इन्होंने हमें जिताया पहला मेडल.
मनु भकेर, इन्होंने हमें जिताया सेकेंड गोल्ड मेडल, और मेहुली घोष को मिला है सिल्वर मेडल। ठीक है, तो ये चारों लोगों को ने हमें कुछ ना कुछ जिताया ज़रूर है। आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको अगले सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ नॉट बीन एडेड इन द ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, इनमें से कौन सा शब्द आपका ऑक्सफर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में ऐड नहीं किया गया है। सवाल सुनिएगा ध्यान से, सवाल है कि इनमें से कौन सा आपका ऐसा वर्ड है जो कि ऐड नहीं किया गया है इस बार के एडिशन में, इस बार के एडिशन में। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ मवाली। मवाली मतलब गुंडा, ये वर्ड आपका ऐड नहीं किया गया है, पर हाँ बाकी ऊपर के जितने भी वर्ड हैं ये सारे के सारे वर्ड ऐड किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर जो वर्ड इडियोक्रेसी, इसका मतलब होता है अ फुलिश एक्शन। ट्रैपो मतलब होता है करप्ट पॉलिटिशियन। बोंगा मतलब होता है फ्लैम्बॉयंट, मतलब गर्दा उड़ाने वाला, मतलब एकदम ही मतलब गायतोंडे टाइप सेक्रेट गेम्स का। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको अगला सवाल। What is the name of the task force constituted in the country for addressing the skill gap in the country? इनमें से with the help of the World Economic Forum, which or what is the name of the task force जिसको skill education के लिए और skill gap को curb करने के लिए बनाया गया है। आपके सामने देखिए चार ऑप्शन भी हैं, closing the skill gap task force, B, C या फिर D। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ क्लोजिंग द स्किल गैप टास्क फोर्स, दैट इज़ द आंसर जो कि यहाँ पर आपके सामने हमने दे दिया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चीफ मिनिस्टर्स सशक्त किसान योजना एंड चीफ मिनिस्टर्स कृषि समूह योजना, ये योजनाएं आपकी इनमें से किस प्रदेश के अंदर लाई गई हैं, आंध्र प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। एंड इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर ये दो योजनाएं हैं, सशक्त किसान और कृषि समूह योजना, इन दोनों योजनाओं को यहाँ पर ही लाया गया है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया रीजन टू जोन थ्री वॉज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके बारे में दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस है, इस दिस कॉन्फ्रेंस प्रमोट डेमोक्रेसी, जो एक गणतंत्र है, जो एक डेमोक्रेसी है उसको ये आपका प्रमोट करता है। सुमित्रा महाजन ने इसको इनॉग्रेट किया। तो सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि कौन सा वो शहर है जहाँ पर इस सम्मेलन को शुरू किया गया। एंड द आंसर हियर इज, इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ गुवाहाटी। यहाँ पर इसे सही किया गया। जिस किसी के अगर एक भी सही नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है आप पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो भैया फोकस करिए सेशन के अंदर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल स्केल हाइपरलूप पैसेंजर, दुनिया का पहला पूर्ण रूप से हाइपरलूप वाहन इनमें से कौन सा है? इज इट क्विंटेरो वन, इज इट कयाकी ऑन, इज इट फुबुया और इज इट मैग्ना एम। और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ क्विंटेरो वन। इसको एक US कंपनी हाइपरलूप TT ने बनाया है। एंड जो पहला हाइपरलूप एक ट्रांसपोर्टेशन होगा, वैसे तो वो गुआंगजू चाइना में होगा, पर इंडिया के अंदर भी द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, उन्होंने भी हाइपरलूप के ऊपर काम किया है। अब सवाल ये बनेगा, ये हाइपरलूप है क्या? हाइपरलूप इज़ बेसिकली अ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, जिससे इट विल बिकम द फिफ्थ जनरेशन ट्रांसपोर्टेशन, जो कि बुलेट ट्रेन से भी तेज़ होगा, और ये एक बहुत ही कम समय में सिटीज़ के डिस्टेंस को कवर करेगा। तो उसका जो पहला फुल स्केल हाइपरलूप पैसेंजर, उसका नाम है क्विंटेरो वन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट्स ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, व्हाट इज इंडिया GDP ग्रोथ, भारत की GDP ग्रोथ इनमें से क्या है? 7%, 7.3%, 7.5% या फिर 7.2%? क्या है भारत की ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ द UNCTAD ग्रोथ रेट फॉर 2018? एंड इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 7%, 7% आपका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द गौरी बलिस्टिक मिसाइल इज रिलेटेड टू विच कंट्री, इनमें से किस देश से जो गौरी बलिस्टिक मिसाइल है उसका संबंध है? ईरान, अफगानिस्तान, इराक
या फिर पाकिस्तान। सवाल बहुत ही आसान सा है, सवाल सिंपल समझिएगा, हाल ही में इसका टेस्ट भी हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ पाकिस्तान। इंडिया के एग्जाम्पल हैं आपके अग्नि, प्रहर, अस्त्र, ये सारे इंडिया के एग्जाम्पल हैं, ब्रह्मोस। वैसे पाकिस्तान एग्जाम्पल है आपका गौरी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एज पर द IMF's लेटेस्ट रिपोर्ट, वॉट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2019? IMF की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक भारत का ग्रोथ रेट 2019 में कितना रहने वाला है? एंड इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 7.4%। तो 7.3% रहेगा 2018 में और 7.4% आपका रहने वाला है इन 2019। दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और साथ ही साथ आप अगर चाहें तो सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विश्व पोस्ट दिवस या वर्ल्ड पोस्ट डे इनमें से ऑब्जर्व कब किया जाता है? 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को या फिर 12 अक्टूबर को? व्हेन इज द वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व्ड? 8th, 9th, 10th और 12th, दैट इज माई क्वेश्चन। एंड द आंसर हियर इज, इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 9th अक्टूबर। और इस बार का जो आपका टैगलाइन था, वो टैगलाइन था इमेजिन यू यू आर अ लेटर ट्रैवलिंग थ्रू टाइम, व्हाट मैसेज डू यू विश टू कन्वे? तो ये इसका टैगलाइन था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मोंसेरात कबाले वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द, इनमें से किससे संबंध था मोंसेरात कबाले का? इज इट सिंगिंग, इज इट डांस, इज इट पेंटिंग और इज इट पोएट्री? किससे संबंध है आपका मोंसेरात कबाले का? एंड इसका जो आंसर है, द आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दैट इज सिंगिंग। शी वॉज अ वेरी फेमस ओपेरा सिंगर एंड इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड इन द यूटी फोर्सेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट? इनमें से कौन सा आपका एक ऐसा शहर है, एक ऐसी जगह है जिसे यूटी फोर्सेज के अंदर एड ऑन किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज पुडुचेरी। आज ही डिस्कस किया था मैंने इसको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इनमें से किसने हाल ही में अमेरिकी राजदूत के रूप में यूएन से इस्तीफा दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिजाइन फ्रॉम द यूएस एम्बेसडरशिप फॉर यूएन? द आंसर इज, इट इज ऑप्शन ए, दैट इज निकी हेले। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि शी वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ साउथ कैरोलिना एंड हो सकता है 2020 में ये इलेक्शन भी लड़े। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज हाइक द ग्रेचुटी टू हाउ मच परसेंट? जो ग्रेचुटी फंड का प्रतिशत है उसको कितना आपका बढ़ा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने? इज इट 7.4, इज इट 7.6, इज इट 8 और इज इट 7.1? वेल, द आंसर इज, इट इज एट 8%। 8% इसको यहां पर कर दिया है। दोस्तों, अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, लाइक किए बिना मत जाइएगा, एंड अगर शेयर करते हैं तो अपने सोशल मीडिया पर इसको शेयर कर दीजिएगा। द पैरा एशियन गेम्स आर टेकिंग प्लेस इन विच ऑफ द फॉलो? इनमें से कहां पर जो आपके पैरा एशियाई खेल हैं वो आपके हो रहे हैं? एंड इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज जकार्ता। और आते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल पर, जो कि ये रहा आपके सामने। मनु भकेर जो हैं, जिन्होंने हाल ही में जितवाया हमें गोल्ड मेडल इन द यूथ ओलंपिक्स इन ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, उन पे सवाल है कि उनका संबंध इनमें से किस स्पोर्ट से है? एंड इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज शूटिंग। वापस स्क्रीन पे आते हैं। तो करीब 3 मिनट का समय बचा है। सो गाइज, हमने जो आज की इंपॉर्टेंट खबरें थी उनको आपके लिए कवर किया मात्र 18 मिनट के अंदर। सो अगर आपको सेशन ये अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि सर ऐसे ही सेशन को आप रोज़ लाएं। सुबह 8 बजे द हिंदू करंट अफेयर्स आएगा, जिसको डिस्कस करूंगा मैं करीब 30-40 मिनट। एंड फिर जो नेक्स्ट का 20 मिनट है, वहाँ डिस्कस करेंगे हम द करंट अफेयर्स रैपिड फायर, जिसमें जो भी चीज़ें बची होंगी उनको भी यहाँ पर ऐड करेंगे। मेरा दिल से एक ही मकसद है, आई ओनली हैव वन इंटेंशन, टू मेक ऑल ऑफ यू द मास्टर्स ऑफ करंट अफेयर्स। और अगर आपको ऐसा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। और ये वीडियो मात्र 20 मिनट का होगा एंड इसके अंदर आपको कम समय में बड़ा ज्ञान यहाँ पर मिलेगा। तो अगर इसको कंटिन्यू हम करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट में डाल दीजिए यस सर, यस सर, यस सर, प्लीज कंटिन्यू। और प्लीज आज कमेंट सेक्शन को भर दीजिएगा इस कमेंट से, यस सर कंटिन्यू, यही नाम से। किस नाम से?
यस सर कंटिन्यू। और बाकी जो लोग चाहते हैं कि हम इस सेशन को लगातार करें और जो चाहते हैं ऐसा ही हम पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करते रहें, तो उसके लिए एक ग्रुप है, उस ग्रुप को आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप का मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर देता हूं, और ये रहा उसका लिंक, इस लिंक पर जाके आप उस उन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने, तो ये रहा ग्रुप। थैंक यू सो मच गाइस आपका आने के लिए। मिलते हैं अब आपसे कल, बाकी लाइक करते रहिएगा सेशन को, एंड कल फिर से हम आएंगे सुबह 8 बजे विद द हिंदू करंट अफेयर्स एंड 8:30 बजे विद द करंट अफेयर्स विद टाइमर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते।